सर्दी के दिनों में हर शहर और कस्बे में धुएं और धूल की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। राजधानी दिल्ली सहित बड़े शहर पहले से ही एयर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। एयर पोल्यूशन से खासकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस और सीजनल एलर्जी से ग्रस्त लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल जरूर करनी चाहिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे फेफड़ों को डिटॉक्स कर श्वास नली को साफ रख सके। अब ऐसे में ज़रूरी है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन से वो घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपना कर हम इन सभी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके लिए आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। तुलसी के साथ साथ अदरक और शहद का काढ़ा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा और सर्दी खांसी में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए आधे लीटर पानी में तुलसी के पत्तों और अदरक को तब तक उबालिए जब तक पानी आधा ना रह जाए। अगर काढ़ा ठंडा हो जाए तो उसे गुनगुना कर उसमें एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार जरूर सेवन करें। इसके साथ ही गाय का घी श्वास नली से प्रदूषकों को दूर करने के लिए दो बूंद सुबह और शाम के समय नाक के दोनों छिद्रों में गाय का घी डालना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही अगर दिन भर में 2 से 3 चम्मच घी का सेवन करते हैं तो हड्डियों, किडनी और लीवर में एकत्रित होने वाला पारा और शीशा जैसे तत्व दूर हो जाते हैं। आप घी का इस्तेमाल रोटी, चावल या दाल के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि इसके लिए आप त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण त्रिदोष, वात, पित्त और कफ में असंतुलन होता है। इसे दूर करने में त्रिफला काफ़ी मददगार होता है। इसीलिए रोजाना रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला चूर्ण खासकर वायु प्रदूषण वाले इलाकों में रहने वाले अस्थमा के मरीजों को जरूर लेना चाहिए। एक क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।